यूएसए वीजा। जी हाँ, तो आज की ये क्लास यूएसए वीजा से रिलेटेड है। यूएसए गवर्नमेंट ने जो यूएसए का वीजा देने का सिस्टम है उसको चेंज किया है, अपडेट किया है। तो ये इंफॉर्मेशन पिछले 6 महीने से आ रही थी कि यूएसए का जो वीजा लेने का सिस्टम है वो अपडेट हो रहा है और 26 जुलाई से 29 जुलाई तक ये बंद रहेगा और थोड़ा उससे ज्यादा दिन बंद रहा ये, पर अब ये स्टार्ट हो गया है। तो आज हम आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे कि आप यूएसए का वीजा कैसे लेते हैं और इसमें क्या चेंजेस आए हैं, जो नया सिस्टम बना है उसमें क्या चेंजेस आए हैं ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यूएसए का वीजा 2 प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोसेस किया जाता है। जी हाँ, इसके 2 पार्ट हैं। पहला, एक अलग लिंक है, एक अलग साइट है जिसके ऊपर जाकर हम DS-160 फॉर्म फिल करते हैं। जब वो फॉर्म फिल हो जाता है और हमारे पास कंफर्मेशन नंबर आ जाता है, फिर हम US ट्रैवल डॉक्स पर जाकर अपनी प्रोफाइल को वहां पर अपडेट करते हैं, अपना DS-160 फॉर्म नंबर वहां पर डालते हैं, फिर उसी US ट्रैवल डॉक्स की साइट से ही हम फीस पे करते हैं और अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो जो US गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं वो US ट्रैवल डॉक्स साइट पर किए हैं, वो सब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला चेंज ये है कि अगर आपने साइन अप किया हुआ था अपनी ईमेल आईडी से तो वो सब अब चला गया है, वो अब अवेलेबल नहीं है, हमें दोबारा से साइन अप करना पड़ रहा है और वो मैं आपके सामने करूंगा। मैं अपने एक अकाउंट का साइन अप करके देख चुका हूं, एक नए अकाउंट का साइन अप मैं आपके सामने करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको गूगल पर ले जाता हूं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको लिख रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं कि आप यूएस ट्रैवल डॉक्स पर कैसे जाते हैं। आप गूगल पर लिख लीजिए यूएस ट्रैवल डॉक्स। ये आपने लिख लिया और ये इनकी साइट है USTravelDocs.com, जिसको CGI भी कहते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां से आप आई पिक कर लें क्योंकि हम इंडिया कर रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं तो आप पी पिक कर लें, अगर आप बांग्लादेश में कर रहे हैं तो पी ले लें और अगर आप श्रीलंका में कर रहे हैं तो एस कर लें। इस ढंग से जोन सी भी आपकी कंट्री है उसके अकॉर्डिंगली आप यहां पर पहले अल्फाबेट पिक कर लें। अब यहां से आप इंडिया पिक कर लें और नॉन इमिग्रेंट वीजा, जिसके अंदर हम DS-160 जो B1 B2 है, विजिटर एंड बिजनेस, और अगर आप बाकी वीजा कर रहे हैं, वर्क परमिट वगैरह कर रहे हैं, तो इमिग्रेंट वीजा पे जा सकते हैं। प्रोसेस लगभग सबका सेम है। तो अभी मैं आपको नॉन इमिग्रेंट वीजा पे ले जाता हूं और ये आपको पढ़ना चाहिए है। और यहां पर ये हमें कह रहे हैं कि आप लॉग इन कीजिए। तो हम जब लॉगिन पर जाते हैं तो ये हमारे को लॉगिन की ऑप्शन देगा। जैसा कि आप अगर मेरी पहले की क्लासेस देख चुके हैं तो आपने देखा होगा कि visacourses@gmail.com से हमने पहले से ही रजिस्टर किया हुआ है, पर ये हमारे को उससे साइन इन नहीं कर रहा है। मैं आपको पहले यही दिखा रहा हूं, 5D6 I believe it is O and then F. Sign in. The username or password provided in the request are invalid. जबकि हमने साइन अप किया हुआ है तो हमें अब दोबारा, जी हाँ, आपने जिस भी आईडी से पहले साइन अप किया हुआ था दोबारा साइन अप कीजिए, ठीक है। और यूजर नेम में
ईमेल आईडी मत डालिए, आप नाम डालिए। तो मैं यहाँ पर यूजर नेम में वीजा कोर्सेज डाल रहा हूँ और सेम वही पासवर्ड डाल रहा हूँ जो मैंने पहले लिया था। अब ये कह रहे हैं कि आप अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कीजिए। अगर हमने पहले साइन अप क्रिएट किया हुआ था और वो इनके रिकॉर्ड में अवेलेबल है तो वेरिफिकेशन कोड उस ईमेल आईडी पे ना जाता। वो बोलते कि ये ईमेल आईडी पहले से यूज हो रखी है, पर क्योंकि ये नया सिस्टम है तो दोबारा से आपको साइन अप करना है। हम वेरिफिकेशन कोड मांग रहे हैं और मैं आपको अपनी ईमेल पर ले जाकर दिखाऊंगा कि वेरिफिकेशन कोड आया या नहीं आया। जी हाँ, बिल्कुल वेरिफिकेशन कोड आ गया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑन बिहाफ ऑफ सीजीआई फेडरल, और ये हमने ईमेल आईडी डाली थी और ये हमारा कोड आया 552565। तो हम यहाँ पर इसको यूज कर लेंगे। और इसको वेरीफाई कर लेंगे। अब गिवन नेम, जो भी आपका नाम है, रियल नेम आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैं अपना रियल नेम डाल रहा हूं। और सिक्योरिटी क्वेश्चन, इसमें करीब 5 क्वेश्चंस की ऑप्शन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द टाउन सिटी वेयर यू वर बॉर्न, तो यहां पर हम लिख देते हैं जोन सीवी सिटी थी। सिक्योरिटी क्वेश्चन 2, लीस्ट फेवरेट फूड, कुछ भी आप पिक कर सकते हैं, राइट। सिक्योरिटी क्वेश्चन 3, व्हाट इज योर सिबलिंग्स मिडिल नेम, और ये हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहां हमारा US ट्रैवल डॉक्स के ऊपर साइन अप क्रिएट हो गया है। पासवर्ड वही जो हमने डाला था। जवाब दे दिया। कंटिन्यू कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक डाल रहा था मैं आंसर, भाई थोड़ा टाइम लेता है लेने में। अब हम टर्म्स एंड कंडीशंस को साइन इन कर लेते हैं, साइन कर लेते हैं, ये ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। अब हमारे पास साइन इन हो गया है। अगर कोई भी एप्लीकेशन यूएसए की जिसका आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो आप यहीं पर ही आकर लेंगे। देखिए लिखा हुआ आ रहा है, अटेंशन, बिफोर यू एंटर द रिसिप्ट नंबर इंश्योर दैट द पासपोर्ट बायोडाटा एंड DS-160 इंफॉर्मेशन मैचेस। हम कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर हमारे को प्रोफाइल अपडेट करनी होती है जब हमें वीजा लेना होता है। तो इन्होंने नाम पहले से ले लिया, यहाँ पर पहले से नाम आ रहा है। अगर आप इसे चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। प्राइमरी ईमेल visa courses@gmail.com, इसको आप सेव एंड कंटिन्यू कर लें। अभी हमसे डिटेल पूछ रहा है क्योंकि हमें अपॉइंटमेंट लेना है।
तो कंट्री इसने पहले से ले ली है, फीमेल, जेंडर इसको आप चेंज कर लें, मेल, होम फोन नंबर, जो भी फोन नंबर आप यूज करना चाहते हैं वो यहां पर ले लें, मोबाइल नंबर। मेलिंग स्ट्रीट इसने पहले से, जो पहले हमने दादा का एड्रेस वो लिया हुआ है, क्योंकि मेरा एक बिजनेस अकाउंट था इसीलिए इन्होंने पहले से लिया हुआ है। इसको पूरे को आपको कंप्लीट करना होता है, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट इश्यूएंस डेट, पासपोर्ट प्लेस ऑफ इश्यू एक्सेट्रा, जो कि मैं आपको करके दिखाता हूं। इश्यूएंस डेट, एक्सपायरेशन डेट, बर्थ डेट, जो भी आपके क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ है वो आप डाल लीजिए। सेव एंड कंटिन्यू। Continue application। और यहां से हम वीजा टाइप चूज करेंगे, नॉन इमिग्रेंट या इमिग्रेंट, अगर आप B1 B2 कर रहे हैं तो नॉन इमिग्रेंट। और यहां पर ये पूछ रहे हैं कि आपको अपॉइंटमेंट कहां पर चाहिए है, तो अगर हमारे को न्यू दिल्ली में चाहिए है तो हम यहां से न्यू दिल्ली पिक कर लेते हैं। बिजनेस और टूरिज्म चाहिए हमारे को, बिल्कुल हम वही चूज कर लेते हैं। और इसके अंदर भी जो ऑप्शंस हैं, देखिए कई लोग कहते हैं कि हमें असैलम के लिए अगर अप्लाई करना है तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं, विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। विजिटर वीजा फॉर बिजनेस एंड प्लेजर, तो यहां से हम B1 B2 पिक कर लेते हैं। ये सब नया हो गया, पहले इस ढंग से नहीं आता था, इतनी डिटेल नहीं आती थी। तो अगर आप देखें तो सिस्टम के अंदर काफी चीजें इंप्रूव हो गई हैं। और यहां पर अब हमारे को DS-160 कंफर्मेशन नंबर डालना है। जब आप DS-160 कंफर्मेशन नंबर डाल देंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं और फीस पे कर सकते हैं। तो DS-160 कंफर्मेशन नंबर हम कहां से लेते हैं, उसके लिए मैं आपको एक नई साइट पे लेकर आया हूं, जिसका एड्रेस आप चेक कर सकते हैं, CEAC.state.gov। यहां पर हम पिक कर लेते हैं इंडिया, तो यहां हमने इंडिया पिक कर लिया और कैप्चा हम डाल लेते हैं एक बार फिर से, क्योंकि मैंने काफी देर से खुला हुआ था। यहां हमने इंडिया पिक कर लिया और 6VXN8 स्टार्ट एन एप्लीकेशन। तो जब हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक एप्लीकेशन आईडी आती है जो कि सेव होती है हमारी कंफर्मेशन नंबर की। तो ये कॉमनली लेता नहीं है इसको, क्योंकि हमने अगर DS-160 कंप्लीट नहीं किया है तो ये लेगा नहीं, पर कई बार ले भी लेता है। तो नया सिस्टम है, हम खुद चेक करेंगे। तो हमने वही नंबर डाला और इसने ले लिया। प्लीज आंसर द फॉलोइंग, आर यू द वीजा एप्लीकेंट अंडर 14? नो, 14 साल से कम के लोगों को वीजा फीस नहीं पे करनी होती है, उनका वीजा वेवर का प्रोसेस होता है। अब ये कह रहे हैं कि आप 80 साल से अबव हैं, ये पहले भी पूछा जाता था, तो इसको भी हम नो कर देते हैं। 80 साल से ऊपर वालों को उतनी आसानी से वीजा नहीं मिलता है। क्या आपके पास पहले B1 B2 वीजा रहा है, तो इसको भी हम नो कर देते हैं। अगर यस है तो आप यस कर दें, तो आपको वीजा मिलने में आसानी होगी। अब यहां पर हमारे को एप्लीकेंट नेम, पासपोर्ट नंबर एक्सेट्रा ऐड करना होता है, जैसे कि हमने प्रोफाइल में पहले से किया है। इंग्लिश
ये कह रहे हैं कि आपने जिस आईडी से लॉगिन क्रिएट किया हुआ है वो नहीं, दूसरी डाली है आप, तो मैं यहाँ पर आया हूँ narang@gmail.com डाल लेता हूँ, हॉटमेल डाल लेता हूँ, दोनों ही है मेरे पास। A user with a specified email address is already in use, अभी भी वही आ रहा है, तो इसको हम TTS ticketing@gmail.com डाल के देखते हैं, क्योंकि ये मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं, इसलिए कोई रियल आईडी तो हमारे पास है नहीं, पर इसने ले लिया और अब ये कह रहे हैं कि आप ऐड कर सकते हैं जिसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, ये अदर है, स्पाउस है, जो भी है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पासपोर्ट नंबर डाल सकते हैं और उसके बाद आपको वीजा की ऑप्शंस और मिल जाएंगी और आप अपॉइंटमेंट ले पाएंगे। एक बार फिर मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाता हूं जो कि वीजा एप्लीकेशन होम पर जाकर हमें मिल जाएगी। सिस्टम दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको ताकि आपको आइडिया लगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो डैशबोर्ड देखने में काफी अच्छा हो गया है, इजी हो गया है, फीडबैक रिक्वेस्ट पहले भी थी जो कि हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर अभी भी हैं। कोई न्यू केस हमें क्रिएट करना है तो हम यहाँ से खोल सकते हैं, माय क्लोज्ड केसेस, पहले का रिकॉर्ड जा चुका है, जो भी पहले के हमारे केसेस थे वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सपोर्ट पर अगर जाते हैं तो कुछ खास ऑप्शन हमारे पास नहीं आ रही है। फिर से हम होम पर जाते हैं, फैमिली ग्रुप मेंबर सारा कुछ दिखा रहा है। मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश करता हूं कि अब वेट टाइम क्या है। तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ वेट टाइम चेक किया है, वीजा अपॉइंटमेंट वेट टाइम्स। जैसे कि चीजें नहीं हो गई हैं तो क्या इसके अंदर कोई चेंज आया है या नहीं आया है ये अभी हम देख लेंगे। इसके लिए एक अलग पेज यूएस वीजा ने क्रिएट किया हुआ है जहां पर हम अपनी सिटी कंट्री चूज करके और कैटेगरी चूज करके एग्जिस्टिंग वेट टाइम चेक कर सकते होते हैं। तो मैं आपको उसी पेज पर लेकर आया हूं, यहां पर आप ऊपर देख सकते हैं travel.state.gov/content/travel-en-us-visas-visa-information-resources-wait-time। तो आप यही सिर्फ अगर गूगल कर लेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये साफ साफ दिखा रहा है इंटरव्यू रिक्वायर्ड विजिटर्स B1, B2, 547 calendar days, और उसके अलावा बाकी जो ऑप्शंस हैं जैसे कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं 35 calendar date। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, इंटरव्यू वेवर विजिटर्स B1, B2, 16 calendar days, मतलब अगर कोई छोटा बच्चा है या किसी भी कारण से आप वेवर ले रहे हैं तो 16 दिन के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। सी डिटेल्स ऑन अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी एंड प्रोसेसिंग टाइम्स, थोड़ा और डिटेल में आप जाके देखना चाहते हैं तो ये सारा कुछ यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, कोई अपॉइंटमेंट को लेकर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, अभी भी वेट टाइम उतना ही दिखाई दे रहा है। जब आप एक रियल प्रोफाइल क्रिएट करके देखेंगे तब आप एग्जैक्टली देख पाएंगे कि क्या वेट टाइम है, क्या अपॉइंटमेंट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि जब आप अपॉइंटमेंट ले लेते हैं उसके बाद आप उसको रीस्केड्यूल करने की कोशिश करें और एक दिन में 6 बार 10 बार जितनी बार भी आप ट्राई कर सकते हैं ट्राई कीजिए। रात को उस टाइम पर जब कम लोग ट्राई कर रहे होते हैं तो जितने भी नए स्लॉट खुलते हैं अगर आपको वो मिल जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ 10 दिन आगे का अपॉइंटमेंट बिना किसी को कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए मिल जाता है।
बिजनेस डैशबोर्ड क्रिएट करने का तरीका है, वो अगर आप सीखना चाहें तो जरूर सीख सकते हैं। बाकी अगर आप यूएसए का वीजा लेना चाहते हैं तो बहुत आसान है, आप यूएसए का वीजा बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट के बेसिस पर यूएसए का वीजा मिलता है। जी हाँ, आपको ना ही कोई आईटीआर दिखानी होती है, ना ही बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है, और आप यूएसए का वीजा ले सकते हैं।